बॉलों पे और आउट। यस, मोहम्मद आमिर है। देखे मोहम्मद आमिर का कमबैक हो गया, आउट है। और ये होता है कमबैक, इमाद हुसैन ने अपनी फर्स्ट बॉल पे कमबैक करके विकेट ले लिया। बाबर आजम ने किया है कॉइन को टॉस, और आज है टेस्ट T20 बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। ऐसे ही कौन जीतता है, न्यूजीलैंड फिर से टॉस जीत गया और हम चेज करना चाहते हैं लेकिन वो हमें नहीं करने देगा आई गेस। और उसने ले लिया बैटिंग, यस, तो हमारी आ गई है चेज। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिताना है क्योंकि दूसरा मैच हम हार गए थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कल पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, 90 पे ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड को और हमने 10 ओवरों में चेज कर लिया। और आज का मैच भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और गेम में भी इंशाल्लाह। ओके, सो हम इन स्विंग कराएंगे। आ गया है शाहीन शाह अफरीदी अपनी फर्स्ट बॉल के साथ, और फर्स्ट बॉल पे हुआ है सिंगल, वन बॉल सिंगल। शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए क्या ना, दो आउट स्विंग कराए फिर एक इन स्विंग कराए, और ये आएगी इसको आउट स्विंग क्योंकि ये है राइट हैंड एलन। क्या विकेट लेने में कामयाब हो जाएगा शाहीन शाह अपने फर्स्ट ओवर में, लेट्स सी। यार कम ऑन, पकड़ लो, आगे क्यों भाग रहे बॉल से, पकड़ भी लो यार। शाहीन शाह कह रहा है बॉल को और आप, क्योंकि शाहीन शाह को पता है बॉल ज्यादा स्विंग नहीं हो रही, सो ही हैज टू डू समथिंग डिफरेंट। और अब ये कराते हैं थोड़ी फास्ट बॉल, तो लेट्स सी फास्ट बॉल पे क्या होगा। और यार एज हो गया और सीधा वहां पे मेरा फील्डर लखा हुआ है, तो फील्डर के बाद चली गई है बॉल। चार स्कोर हो गया 3 बॉलों पे और आउट। यस, शाहीन शाह वैसे लेता है फर्स्ट ओवर में विकेट, और मैंने तुम लोगों को कहा था कि लेगा और ले ली उसने। और ये किया शुएब अख्तर वाला सेलिब्रेशन रिजवान के साथ, और क्या कॉनवे बिल्कुल ये लग रहा है, ठीक है, और कॉनवे चला गया क्योंकि उसको पता है हुआ था। और हमने ब्रेक थ्रू ले लिया फर्स्ट ओवर में ही विद द हेल्प ऑफ शाहीन शाह। 4 बॉलों पर 4 स्कोर और 1 विकेट है, और फर्स्ट बॉल पे हुआ है सिंगल। तो अभी तक 5 बॉल है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कराई है, 5 की 5 बॉलों पर उनको रूम नहीं दिया हमने, और कोई बाउंड्री भी कंसीड नहीं की। बाबर आजम कह रहे हैं आप थोड़ा पास आ जाओ क्योंकि वो प्रेशर में है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पास आने की जरूरत है क्योंकि वो अभी दूर भेज सकते हैं हमें। देखते हैं इस बॉल पे क्या होना चाहिए, अफरीदी कम ऑन। और ये सिर्फ 1 ओवर में 6 स्कोर दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, और कल 3 विकेट लिए शाहीन शाह अफरीदी, वापस फॉर्म में आ गया। आमिर जमाल जो पिछले मैच का हीरो था तुम लोगों को पता है, उसने 1 ओवर में 2 विकेट ले ली थी और मैच में कम बैक कर दिया था पाकिस्तान का, और वापस आ गया फर्स्ट बॉल पे। और कैसे शॉट खेल लिया उसने, क्लासिक शॉट खेल लिया, लेकिन सिर्फ फील्डर के पास गई है ना, तो 7-6 हो रही है, सो डॉट बॉल हो गई है। आमिर जमाल आ रहा है दूसरी बॉल कराने, और आमिर जमाल की दूसरी बॉल पे भी एज हुआ है। आमिर जमाल जो है ना ग्रेटेस्ट बॉलर, पिछले मैच में भी काफी अच्छा कमबैक किया था, और इस मैच में भी उसकी अभी 2 बॉलें बहुत ही लेवल गई है। अब हम कराते हैं आउट स्विंग, और आउट स्विंग सीधा गई है फील्डर के पास, ये होगा कैच। यस यस, शुक्र है उसका कुशन पे नहीं लगा, फाउल उसका कुशन पे नहीं लगा और आउट हो गया। और आमिर जमाल मैंने कहा था विकेट टेकर है, और आमिर जमाल ने भी आउट कर दिया, बॉलों पे 1 विकेट लिया अभी तक। और सीधा गई है फील्डर के पास, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था, तो चौका हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड ने अपनी फर्स्ट बाउंड्री लगा दी है, और आमिर जमाल नाहुश। कैच, ओके, डॉट बॉल, ठीक है। तो सिर्फ 10 स्कोर हुआ है, अभी 2 ओवर होने लगे, लास्ट बॉल काफी क्रूशियल होती है। और ये मोहम्मद आमिर है, देखे मोहम्मद आमिर का कमबैक हो गया है, और मोहम्मद आमिर ने कल कमबैक में ही अपने दूसरे बॉल पे विकेट ले ली थी, और कल क्लासिक कमबैक किया मोहम्मद आमिर ने, और पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। एज कैसे बच गया यार, अब आया है मोहम्मद आमिर। वो देखे मोहम्मद आमिर को मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि तीसरे मैच में लेके आऊंगा, और मोहम्मद आमिर आ गया। मोहम्मद आमिर ने मैच में दूसरी बॉल पे विकेट ली थी, और देखते हैं कि क्रिकेट 24 में क्या पे लेते हैं विकेट। पहली बॉल पे खा लिया है आमिर, मोहम्मद आमिर ने 6, फर्स्ट बॉल पे 6 खाया है मोहम्मद आमिर ने, कम बैक उसका गया है थोड़ा गंदा इन क्रिकेट 24। ओके, सेकेंड बॉल, और सेकेंड बॉल पे विकेट है, ये आउट नहीं है, एज नहीं हुआ, क्या भाई वाइड दे दी उसने आमिर की। और मोहम्मद आमिर की सेकंड बॉल आउटसाइड एज की वजह से हुआ है सिंगर, बहुत क्लासिक बॉलिंग करा रहा है पाकिस्तान आज, और कल पाकिस्तान ने क्या 90 पे ऑल आउट किया ना, उनको मजा आ गया। ओ एज का चौका है इस बॉल पे, यॉर्कर करा दिया, फिर से वाइड ऑफ से खेल दिया। अब तो हमारी लाइन ऑन लाइन सही थी, अब तो बैट्समैन को कमाल जाता है।
मोहम्मद आमिर प्रेशर में है, साइड चेंज करेगा, एक ओवर में 16 स्कोर दे दिए उसने ऑलरेडी, 4 बोलो भाई। शुक्र है डॉट बॉल। आमिर यू आर अ विकेट टेकर यार, विकेट लेनी चाहिए तुम्हें। लास्ट दो बॉलों पे कमबैक कर दिया आमिर ने, 4 बॉलों पे 16 खा के 2 डॉट बॉल है। वसीम जिसका आप लोगों को पता है इसका भी कमबैक जा रहा है, आउट है। और ये होता है कमबैक, इमाद वसीम ने अपनी फर्स्ट बॉल पे कमबैक करके विकेट ले लिया है। होपफुली आज इमाद वसीम का भी कमबैक हो जाएगा इन इंटरनेशनल एज वेल। मिचेल जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, कम ऑन इमाद वसीम, सेकंड बॉल पे भी विकेट ले लो यार। ओए क्या स्पिन गिराई थी यार, इमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कराने लग गया भाई। इमाद वसीम यू ऑल नो इज अ मैच विनर। ओहो ऐसे कह रहे शाहरुख खान की तरह, इसको कराते हैं दूसरा, दूसरा कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। और आगे आगे उसने खेल दिया 4-6, 4-4। अब ऑफ ब्रेक ही कराते हैं, सीधा फील्डर के पास और नाइस बॉल। आज बहुत हमने कम स्कोर देना है इंशाल्लाह, ताकि हम आराम से चेस करके ना अपना कमबैक कर लें। ओए फिर यस यस इमरान हुसैन के एक और विकेट, और ये बिगेस्ट विकेट है क्योंकि मिचेल जो है ना वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, तुम लोगों को पता है। और हमने कितने आउट कर दिए, सिर्फ 5 ही आउट करने होते हैं, अगर 5 आउट कर दिए तो हमने ऑल आउट कर देंगे, 30 हो गए हैं, बस एक और आउट करना है हमने तो ऑल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 5 ओवरों का मैच है ना, ऑल आउट हो जाएंगे अगर एक और विकेट ले जाओ तो। यार आखिरी बॉल गंदी चली गई और चौका हो गया, तो 8 स्कोर खाया है इमाद वसीम ने, लेकिन 2 क्रूशियल विकेट लिए हैं। इमाद वसीम का ग्रेटेस्ट कमबैक था। अब हम लेके आते हैं नसीम शाह को, क्या बॉलिंग लाइनअप है यार हमारे पास, शाहिन शाह, आमिर, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, आमिर जमार, इमाद वसीम, ये आप भी विकेट ले लो, सारे ले रहे हैं यार। क्या पे बॉल गिरा दी और चौका गया है, नहीं होगा चौका, नहीं होगा, शाहिन शाह ने लॉक लिया है। शाहिन शाह बाउंड्री पे बहुत अच्छी फील्डिंग करता है, स्कोर हो गया उनका। और देखते हैं यॉर्कर पे उसने क्या, सीधा गया है फील्डर के पास और यस ऑल आउट कर दिया हमने। सो हमने और विकेट्स ले ली हैं और अब 36 पे हमने ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड को यार, जैसे कल 90 स्कोर पे पाकिस्तान ने ऑल आउट किया था, आज 36 स्कोर पे पाकिस्तान ने इस गेम में ऑल आउट कर दिया उनको। और देखो सारे बॉलर्स ने विकेट ली है, शाहिन शाह, अफरीदी, आमिर जमार, इमाद वसीम, नसीम शाह, फिर इमाद वसीम ने धो ली थी, आमिर को नहीं मिली विकेट, लेकिन 36 पे हमने ऑल आउट कर दिया। अब देखना 2 ओवरों में इंशाल्लाह चेस करेंगे। साइम अयूब आ गया जिसकी 76 की एवरेज है और स्टाइगलेट 178 का है, और साउथ ही आ गया जिसको 3 मैचों में खेले हैं अभी तक विकेट नहीं मिली बेचारे को। साइम अयूब ऑन स्ट्राइक, 37 स्कोर चाहिए सिर्फ 30 बॉल्स पे, तो फर्स्ट बॉल से ही मारना शुरू कर देंगे हम, क्योंकि अब तो कोई प्रेशर ही नहीं है हमें, हमने बहुत ही क्लासिक खेला है। और 1 बॉल पे 4, साइम अयूब का एटीट्यूड बाद में देखते हैं, पहले ऑल आउट करते हैं और पहले मैच जीतते हैं। आज जिताएगा आप लोगों को बॉब्जी द किंग है बाबर आजम, जिसकी स्ट्राइक रेट है 155 की। बाबर आजम को ये लोग शॉर्ट बॉल ही कराते हैं हमेशा, पिछली दफा भी तुम लोगों को पता है शॉर्ट बॉल में आउट हो गया था बाबर। कम ऑन बाबर पे थोड़ा सा प्रेशर है क्योंकि बाबर फॉर्म में नहीं है इस वक्त, और आज रन आउट हो गया बाबर 0 पे। बाबर फुल गुस्से पे है क्योंकि बाबर इससे चल नहीं रहा, लेकिन नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह चलेगा। और अब आ गया शीश इकराम जिसकी 56 की एवरेज है, देखते हैं क्या करता है। पाकिस्तान के भी 2 आउट हो गए हैं, हमारे पास बस 3 विकेट रह गई हैं, और शीश इकराम ने लगा दिया है फर्स्ट बॉल पे 6, और पाकिस्तान का हो गया 10 स्कोर 2 विकेट। कम ऑन हमारे पास विकेट सिर्फ 3 रह गई हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया ना 5 विकेटों का होता है इसमें, तो 10 स्कोर पे 2 विकेट गिर गई हमारी। और शीश इकराम ने आते साल 2 बॉलों पर 2 छक्के लगा दिए, और पाकिस्तान का कमबैक वापस हो गया 16 स्कोर पे 2 बॉल, और साउथ ही आ गया प्रेशर में। और ये लिजवान एवरेज देखो 104 की एवरेज, 2 फिफ्टियां, क्या प्रेयर है। और उसके सामने आ गया रुकी फर्गुसन द शॉर्ट बॉल मास्टर, डिलीवरी
लिजो ने भी लगा दिया है इस बॉल पे फोरा फॉल। लिजो की फेवरेट शॉट है टुम्बोंगो, पता है यहाँ से मारता है रिजवान और रिजवान ने चौका मार दिया। थोड़ा सा एटीट्यूड दे रहा है, कल रिजवान भी काफी अच्छा खेल रहा है, ऑलमोस्ट 40 स्कोर किया है इसने, नॉट आउट। और आज भी नॉट आउट करना चाहिए और टीम को जिताना चाहिए इसको। और आप बताइए सही बैट पे आप आएगा छक्का। सो दोनों बॉल अभी लेग पे मार दी है रिजवान ने और 26 स्कोर हो गया पाकिस्तान का इस ओवर में। तो इस ओवर में भी वैसे हो सकता है, इस ओवर में भी हो सकता है, सिर्फ 5 स्कोर रह गया इसी ओवर में करेंगे इंशाल्लाह। और 2 ओवर रहती है इस ओवर की भी, अभी सिर्फ 5 स्कोर रह गया। और क्या मैच हुआ यार रिजवान, 83 कर गए हो तुम 4 बॉलों पे 16। और फिर से लेग साइड पे भागने की जरूरत ही नहीं है, चौका ही है, सिर्फ विनिंग शॉट खेलनी है। और 2 ओवरों में चेस कर दिया यार, क्या कहोगे तुम लोग। आज पाकिस्तान से भी उम्मीद है कि इसी तरह खेले, और ये विनिंग इन स्टाइल 6। सो पाकिस्तान जीत गया विद 3 विकेट्स और 3 बचे हुए थे, और शीश इकराम और रिजवान जीत गए हैं। 5 विकेट हमने ली, 36 स्कोर दिया सिर्फ, और फिर 2 ओवरों में 42 स्कोर करके हम मैच जीत गए हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। ऑफरी के जो आज का मैच है पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, 30-20 फर्स्ट हो गया था बारिश की नज़र, सेकंड पाकिस्तान जीत गया, और आज भी पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ पाकिस्तान वाइट वॉश करे। लेकिन अगर तुम इसकी मैच समझनी चाहते हो जो मैं कह रहा हूँ, तो फर्स्ट पाकिस्तान जीता था, सेकंड में न्यूजीलैंड जीता था, और हमने लास्ट बॉल तक रहना था क्योंकि हम नेवर गिव अप हमारा एटीट्यूड होता है। और तीसरे मैच में हमने वन एंड ओनली एक वन साइडेडली मैच जीत लिया, ठीक है तुम लोग देख सकते हो। सो मुझे तो मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, और होपफुली आज पाकिस्तान भी जीतेगा। सो टिल देन बाय बाय।